Hi, so today we are going to talk about drugs, a very sensitive topic, but we are going to handle it very insensitively. So, chalo start karte hain. So I am going to share my first time experience with weed. Sorry, पता तो बहुत ही घटिया मजाक है, but I am just kidding, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं. Let me just profess this कि I don't consume or I don't promote drugs in any way. I am just making this video because आजकल इसी के ऊपर बातें चल रही, तो क्यों नहीं बनाया जाए? Why? तो वैसे तो I don't watch a lot of news because मुझे पर्सनली लगता है कि यार जो चीज मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं देख के भी टेंशन क्यों लूं? From the last few weeks, so I've been following few stories, जैसे कि ये drugs nexus जो पूरा का पूरा निकल के आ रहा है, इसके कुछ चीजें ना आई एम फाइंडिंग अ बिट वियर्ड कि फर्स्टली कि लोगों का ऐसा रिएक्शन आना कि सच अ बिग डील कि ये लोग ये सब करते हैं, मतलब तो इतना पैसा है, इतना नेम वेम सब है उनके पास में, तो कैसे नहीं कर रहे होंगे? ज्यादातर लोग इवन जिनके नाम नहीं आए हैं वो भी सब चीजें कर रहे होंगे, ऑब्वियसली कर रहे होंगे. तो इट्स आर फॉल्ट कि हम लोग उनको ऐसे इतना बड़ा आइडल मान लेते हैं. वी फॉरगेट कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भी अच्छी बुरी चीजें कर सकते हैं हमारी तरीके से. आई एम नॉट लाइकिंग हाउ लाइक मीडिया इज बिहेविंग विद दीज सेलिब्रिटीज बिकॉज दीज आर जस्ट फ्यू डम पीपल हु आर डूइंग सम डम शिट विद देयर ओन लाइव, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें नहीं फेस करने पड़ेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल ए एक्टर ड्रग ले रहा है, तो उससे मेरी लाइफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो कुछ भी करे उसकी लाइफ खराब होगी. तो आई टोटली गेट इट कि कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स इज एन इलीगल ऑफेंस और इट शुड बी कंडेम्ड, बट द वे मीडिया इज ट्रोलिंग, ऑलमोस्ट ट्रोलिंग दीज सेलिब्रिटीज, इट्स नॉट राइट. क्योंकि देखो इतने सारी चीजें ऑलरेडी होती हैं, इतने सारे क्राइम्स होते हैं, बट द वे दे बिहेव विद नॉर्मल क्रिमिनल्स और द टेररिस्ट और जिस तरह लोग इनके साथ बिहेव करें, इट्स सो डिफरेंट. मतलब मैंने कभी आज तक का किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं देखा कि किसी एक क्रिमिनल के बारे में इतनी न्यूज चलाई जा रही हो कि उसकी पूरी लाइफ का सब कुछ मतलब मजाक टाइप का बना रहे हो ये लोग एक तरीके से. हम लोग भी ये क्रिमिनल्स रेपिस्ट इन सब का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, ट्रोल इनका करना चाहिए. आपको करना है किसी को ट्रोल, यूज देयर फेसेस एंड ट्रोल देम, बट उनकी तो आइडेंटिटी भी किसी को नहीं पता चलती, और पता चलती भी तो वी डोंट गिव अ डैम. Who cares कि if someone has done a heinous crime तो उसको ट्रोल करने की क्या जरूरत, वो तो इट्स चिल नॉर्मल थिंग टू डू फॉर अ क्रिमिनल. पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर ड्रग ले रहा है तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी कि अब इस बंदे को ट्रोल किया जाए. मतलब एंड सेकेंडली द इम्पोर्टेंस विच इज बीन गिवन टू दिस मैटर, मतलब क्या ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि दिन रात पूरे हफ्तों तक का सिर्फ यही न्यूज कवर करी जाए कि रिया ने क्या पहना, क्या पहन के गई? मतलब कुछ चीजों मुझे इतनी ओवर लगती है कि दे आर कवरिंग इवन द न्यूज कि दीपिका के कितने एक्सेस रहे, कितने रिलेशनशिप्स रहे, और लोग भी अब उसे जज कर रहे हैं कि ओह शी सच अ कैरेक्टरलेस वुमन. उसने वी ऑल पीपल आर एंजॉयिंग दिस बॉलीवुड ड्रामा कि कुछ जो है चलो देखने के लिए गॉसिप ही चल रही है हमारे लिए, बट रियल बात पता है क्या है? इस सब की वजह से ऑल द इम्पोर्टेंट इश्यूज विच आर लाइक गोइंग टू अफेक्ट आवर लाइव्स आर गेटिंग नेग्लेक्टेड. जिन चीजों से हम लोग की लाइफ में सीरियसली फर्क पड़ सकता है उनकी तो कोई बात ही नहीं करता, और जब बात ही नहीं होगी तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली उनके बारे में कुछ होने भी नहीं वाला. अब सिंस द स्टार्टिंग ऑफ दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन इतने सारे लोगों की जॉब्स चली गई, मेरे खुद जानने वाले मेरे फ्रेंड्स कलीग्स की जॉब्स गई हैं, तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है अभी आजकल बहुत ज्यादा, कोई एजुकेशन कैसे बेटर करी जाए उसके बारे में बात नहीं कर रहा, हम लोग का लिटरेसी रेट अभी भी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज, क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्टिल द रेट्स आर वेरी हाई, और कमाल की बात उसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं होती, इसके ऊपर कभी कोई इस बारे में डिस्कशन भी नहीं कर रहा होता. मतलब डिबेट्स करनी तो इस बारे में करो कि कैसे इन सब चीजों को रोका जाए. नॉर्मली मुझसे पूछो क्या मेरे को ज्यादातर कि मुझे क्या लगता है कि अगर मैं कोई क्राइम करूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी मैं पकड़े आने की? वेरी लेस, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर है अपना. तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि द इश्यूज विच रियली नीड्स अटेंशन उनके बारे में कुछ भी होता नहीं है,
और जिन पे कोई हमारी अटेंशन की जरूरत नहीं है उनके इतना ज्यादा जो है डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होती हैं कि पता नहीं उन सबका क्या रिजल्ट होगा। बट सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू फील कि ये जो अभी न्यूज का और सारा जो ट्रेंड चल रहा है, इज इट राइट और इज इट नॉट राइट, और आपके क्या व्यूज है इस बारे में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye-bye.